नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक, आज आपको बताऊंगा कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या फ़र्क है। साथ ही हम जानेंगे ऐसे वर्ड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल जो आप न्यूज़पेपर और टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो अब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लीगल वीडियोज़ इंटरवल स्पेस चैनल पर डालते रहते हैं जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, लॉयर वो इंसान है, वो व्यक्ति है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है या लॉ की पढ़ाई कर चुका है, या वो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो किसी लीगल एडवाइज़र हो या कोई शिक्षाविद हो जो लीगल फील्ड में कोई भी अपना काम कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम एडवोकेट की। एडवोकेट वो लॉयर है जिसने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है, और जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम आजकल है तो वो बार का एग्ज़ाम उसने वो पास कर लिया है। अब वो बतौर वकील कोर्ट में पेश हो सकता है, अपने मुवक्किल की पैरवी कर सकता है, किसी को भी डिफेंड कर सकता है, तो वो एडवोकेट कहलाएगा। अब रह गया कौन कि भाई जो बैरिस्टर कौन है। बैरिस्टर आप देखते होंगे रूटीन में, आजकल बैरिस्टर वर्ड आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर पुराने हिस्ट्री में जाओगे तो जैसे महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, तो बैरिस्टर वो लोग होते थे उस टाइम पे जो अफोर्ड कर सकते थे कि भाई वो विदेश में इंग्लैंड में जाके लॉ की पढ़ाई कर लें, तो वहाँ उनको जो है ना, जो लॉ की पढ़ाई करके यहाँ आते थे उनको बैरिस्टर बोला जाता था। अब जो कॉमन वर्ड रह गए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कि आपको नाम से ही जो है ना समझ में आ गया होगा कि भाई जो सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैरवी करे। पब्लिक मतलब कि जो एक आम जनता की तरफ से, मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, अब सरकार की तरफ से कौन पेश होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो आम जनता के खिलाफ अगर कोई क्राइम करता है तो आम जनता की तरफ से सरकार का एक वकील होता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। और वो सरकार के खिलाफ कोई दीवाने मुकदमे भी अगर किए जाते हैं तो उनमें भी वो पेश होता है। उसके बाद एडवोकेट जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये हमारे जो स्टेट के एग्ज़ाम है उनमें जीके का क्वेश्चन भी रहता है। तो एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में जो सरकार है उसको हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाले जो वकील है वो एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अगर कोई सरकार के खिलाफ मुकदमा डलेगा, या किसी दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, जहाँ कहीं भी कोई भी मुकदमा सरकार के खिलाफ आएगा, वहाँ पे एडवोकेट जनरल और उनके दफ्तर में जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है WAG, वो उनको डिफेंड करेंगे। उसके बाद आप सुनते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं और केंद्र सरकार के द्वारा अथोराइज्ड हैं, वो उनके बिहाफ पे मुकदमे लड़ें। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पार्टी बना लेता है तो वहाँ पे कौन उनको डिफेंड करेगा, अटॉर्नी जनरल। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।